हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IIT पालकर की, बिकॉज यस, इनकी तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर MS PhD। सो हम इस वीडियो में PhD नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे एंड आप IIT PKD.ac.in इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए। तो जैसे ही आप इस पर विजिट करेंगे, स्क्रॉल करते ही आपको एडमिशन का सेक्शन दिख रहा है। इसमें है एडमिशन टू PhD एंड MS रिसर्च। सो एप्लीकेशन पोर्टल पर क्लिक कर लीजिएगा तो ये रिसर्च पोर्टल ओपन हो जाएगा। ओके, सो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। सो यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, ओवरव्यू पढ़ सकते हैं एंड देन यहाँ पे है द एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो ओपन होगा 10। तो बेसिकली अभी ओपन है, जो लास्ट डेट है वो है 26। ओके, सो यस, आई नो इट्स अ बिट लेट बट आई एम रियली सॉरी, आई वॉज अ बिट अनवेल, बट एनी वे 26 अक्टूबर रात 12 बजे से पहले तक यू कैन अप्लाई। तो ऑनलाइन ही सारे प्रोसेस हैं, तो आप एक बार देख लीजिए, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेन्यू टैब है, इस पर क्लिक करिएगा तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो भी इन्फॉर्मेशन देखनी है। तो सबसे पहले एक बार हम इम्पॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं, फिर प्रोग्राम्स को देखेंगे। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, तो एप्लीकेशन पोर्टल एक्टिव हो चुका है, लास्ट डेट है 26th of October। आप 12 बजे से पहले तक अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग सिर्फ इंटरव्यूज़ ही होंगे। ओके, जो कि 23rd November से 15th December तक होंगे। सो उसको देख लीजिएगा, बाकी डेट्स बाद में अनाउंस होंगी। तो अभी हम प्रोग्राम्स की बात करते हैं। क्लिक करेंगे, PhD का ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग एप्लीकेशन का ऑप्शन है। ओके, सो लास्ट डेट इज़ 26 अक्टूबर एंड किस किस डिपार्टमेंट से आया है फॉर्म। सो HSS है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, CSE है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है, देन डेटा साइंस, देन बायोलॉजिकल साइंस एंड एनर्जी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबल इंजीनियरिंग सेंटर एंड देन फिजिक्स। तो ये 10 डिपार्टमेंट्स हैं जिसके लिए अप्लाई करना होगा। उसके सामने अप्लाई का टैब है, या फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो भी जो नेक्स्ट पोर्टल ओपन होगा उसमें एप्लीकेशन का ऑप्शन है। ओके, सो यस, इसके बाद अब हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रोशर की। सो ब्रोशर में बाकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगी, तो ओपन करते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। सो यस, ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, रिसर्च एडमिशन December 2022। सबसे पहले आप टेबल ऑफ कंटेंट्स देख सकते हैं, इसमें से जो भी इन्फॉर्मेशन देखनी हो आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे ना डिपार्टमेंट या सेंटर वाइज भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग है तो उस डिपार्टमेंट का ओवरव्यू, साथ में क्या है एरिया अवेलेबल, वो सारी इन्फॉर्मेशन है। कुछ कुछ ब्रांचेस में यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी अवेलेबल हैं तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन है। तो मैं हर डिपार्टमेंट का डिस्कस नहीं करूँगी, प्लीज़ आप देख लीजिएगा आपका जो भी डिपार्टमेंट है उसे अच्छे से, उस सेक्शन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड बाकी यहाँ पे ओवरव्यू भी है, तो एक बार हम गाइडलाइंस देख लेते हैं बहुत ही ब्रीफली, देन हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ओके, सो 6 पॉइंट या 6 सेक्शन में हमें क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पे डेट्स हैं, देन कुछ गाइडलाइंस हैं। तो गाइडलाइंस में देखिए, एप्लीकेशन फ़ी है 100 रुपीज़, मेल जो भी हैं EWS, OBC, NCL या जनरल कैटेगरी के, बाकी सभी इस कैटेगरी के फीमेल एज वेल एज SC ST PWD मेल फीमेल सबके लिए एप्लीकेशन फ़ीस ₹50। एंड अगर बैकग्राउंड में कोई भी डिस्टर्बेंस है तो आई एम रियली सॉरी अगर आवाज़ वगैरह आ रही हो तो, बट मुझे बनाना था ये वीडियो एंड यू कैन अंडरस्टैंड लास्ट डेट इज़ 26। एनीवे, बाकी जो भी सर्टिफिकेट होगा वो 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद का होना चाहिए। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन एंड एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे सो यस, जैसे बायोलॉजिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग है, सबसे पहले इनके फैकल्टी की इंफॉर्मेशन है, देन ओवरव्यू है, करंट फोकस क्या है, प्रोग्राम्स क्या अवेलेबल हैं, देन इस सेशन के लिए क्या एरिया अवेलेबल है, फैसिलिटीज़ क्या, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो प्लीज़ अपने डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन को देख लीजिएगा। इसी तरह से सेंटर्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन है। अब हम देखते हैं 6th सेक्शन, जिसमें हमें क्राइटेरिया और बाकी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो यस, यहाँ पे पहले एप्लीकेशन है, तो आप एक डिपार्टमेंट के में अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। फाइनेंशियल असिस्टेंट तो जो भी मिलती है स्कॉलर्स को वो मिलेगा, ऑब्वियसली इट इज़ 31,000, उसके बाद वो 35 हो जाता है। एंड बाकी जो भी फेलोशिप अगर आपके JRF हैं तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ओके, देन एलिजिबिलिटी एंड आई एम सॉरी, सो देखिए पहले MS की है, इसमें भी ऑलमोस्ट वैसा है। PhD की बात करें तो अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई करें तो देखिए कई सारे क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला तो मास्टर्स डिग्री हो अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ, सेकंड अगर MSc वगैरह किया अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ, एक्सेप्शनल मेरिट रही हो एंड साथ में वैलिड गेट स्कोर या JRF या NBHM का कोई एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें आपने क्वालिफाई की हो, तो यहाँ पर मैंडेटरी है क्वालिफिकेशन, राइट। बट अगर आपके पास MTech वगैरह है तो मैंडेटरी नहीं है, जैसा कि आपने देखा। सो इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आपने क्वालिफाई किया है 4 ईयर्स का बैचलर्स डिग्री एंड एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, साथ में वैलिड गेट स्कोर है,
तो आप भी एलिजिबल होंगे, तो बेसिकली डायरेक्ट पीएचडी भी अवेलेबल है। एंड लास्ट अगर बैचलर्स इंटीग्रेटेड मास्टर्स वगैरह कुछ भी आपने सीएफटीआई से किया है या एमएससी किया है सीएफटीआई से, एटी से ज़्यादा सीजीपीए के साथ, तो आप भी एलिजिबल हैं, यू कैन ऑल्सो अप्लाई। सिमिलरली साइंसेज के लिए भी है, बट इसमें वही है कि मास्टर्स डिग्री हो, साथ में वैलिड गेट स्कोर या नेट जेआरएफएलएस, ये सारे एग्जामिनेशन में से कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बाकी देखिए सेम है, बैचलर्स है तो डायरेक्ट पीएचडी के लिए आप एलिजिबल हैं अगर वैलिड गेट स्कोर है एंड सीएफटीआई से किया है, एट से ज़्यादा सीजीपीए के साथ, तो आप भी एलिजिबल हैं। एचएसएस के लिए भी सेम है, मास्टर्स डिग्री हो एचएसएस में, साथ में वैलिड गेट स्कोर या नेट या जेआरएफ हो, तो इससे पहले नेट एंड जेआरएफ था बट यहाँ पे नेट या जेआरएफ है, तो यहाँ पे नेट अलग से, तो भी आप एलिजिबल होंगे ऐसा मुझे लगता है। एंड आई एम रियली सॉरी, ये एक्चुअली बार बार स्क्रॉल हो जा रहा है। सो एनीवे नेक्स्ट, यहाँ पे सीएफटीआई वगैरह की जो कंडीशंस है वो सेम है। फिर यहाँ इंस्टीट्यूट स्टाफ मेंबर्स के लिए भी है, एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन भी आप करवा सकते हैं। प्रोसीजर क्या है, सो देखिए मिनिमम अगर क्वालिफिकेशंस को आप फुलफिल करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल जाएगा या फिर टेस्ट भी हो सकता है, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो हो सकता है। इसके अलावा एसओपी आपको अपलोड करनी है, एसओपी 500 वर्ड से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, एरिया मेंशन कर दीजिएगा अपने प्रेफरेंस में एंड पीडीएफ फॉर्मेट में आप उसे सबमिट करेंगे, ओके। एंड देन इसके अलावा आपका अकेडमिक मेरिट प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे होगा या टेस्ट हुआ तो वो भी बेसिस रहेगा। नाउ इसी तरह से बाकी इन्फॉर्मेशन से, ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वेरिफिकेशन के टाइम ले जाने होंगे, कुछ इनमें से अपलोड भी करने होंगे। फीस वगैरह यहाँ पे बताई गई है, प्लीज़ टोटल करके देख लीजिएगा फॉर डे स्कॉलर्स एंड हॉस्टलर्स। देन बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड एंड यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स भी दिए हुए हैं फॉर्म्स के। सो यस, इसके बाद ब्रोशर देख लिया है, फी डिपॉजिट हमने देख लिया, असिस्टेंस देख लिया, अप्लाई कैसे करना है ये सारी चीज़ें आपको पता है, बट स्टिल हाउ टू अप्लाई पे हम क्लिक कर लेते हैं, जिसे देख लेते हैं। सो यस, यहाँ पे आपको स्टेप्स दिख रहे हैं जो जो आपको करने हैं अप्लाई करने के लिए, ओके, तो इन्हें देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे डिटेल दी हुई है, कोई भी इशू है तो आप academics@itpkd.ac.in पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, अगर अप्लाई नहीं किया है, नहीं पता था तो प्लीज़ 26 रात 12 बजे से पहले तक कर लीजिएगा। एंड एसओपी सबमिट करना है, गेट सबके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर साइंसेज या एचएसएस के लिए कर रहे हैं तो रिक्वायर्ड है गेट या नेट, ओके। इंजीनियरिंग के लिए आपने देखा फर्स्ट क्वालिफिकेशन में नेट रिक्वायर्ड नहीं था, बाकी के लिए है। एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह अवेलेबल है ही, सीट की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, सिर्फ एरिया अवेलेबल है, बाकी एक बार अपने डिपार्टमेंट का ओवरव्यू देख लीजिएगा, हो सकता है इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। एंड ऑल्सो प्रोजेक्ट मैंने बोला तो प्रोजेक्ट भी कुछ कुछ अवेलेबल है, उसे भी चेक कर लीजिएगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।